वेलकम मित्रों। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और तोड़ोम जोड़ोम गेम प्ले के साथ, यानी कि माइनक्राफ्ट में। और ये क्या हो रहा है भाई, ये अंधेरा कैसे हो गया यार, पूरा स्क्रीन ब्लैक क्यों है? हेलो, अरे ये क्या चल रहा है? अरे कौन हो भाई? अबे कौन है बे तू, और ये मैं कहाँ हूँ? ये सब कुछ इतना रंगीन क्यों लग रहा है? तो दोस्तों रुको जरा, मुझे पहले पता लगाने दो ये चल क्या रहा है भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। A few moments later. तो मेरा अभी मिथपैड भाई से बात हो चुका है और वो रात को 12 बजे भी मुझे हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए थैंक्स अ लॉट। और वो मुझे जो भी बताए यार, मेरे सुन के तोते उड़ गए, आप लोग भी थोड़ा देख लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कुछ बहुत ही रेयर टाइप का कुछ है, जिसमें ग्लिच के चलते हीरो ब्राइन के वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से हीरो ब्राइन हमारे वर्ल्ड में आ जाता है और फिर हमारे वर्ल्ड में ऐसी अनोखी चीज़ें होने लगती है, यहाँ तक कि वो हमें मारने की भी कोशिश करता है। अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा पहला वाला वर्ल्ड गायब हुआ था वो भी इसी का ही किया धरा होगा। तो देखो, अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि ये हीरो ब्राइन क्या है और कैसी दिखता है। उन्होंने मुझे एक ये पिक सेंड किया है और जो कि देखने में तो भाई माइनक्राफ्ट का भाई नॉर्मल स्टीव के जैसे दिख रहा है, पर आंख इसके सफ़ेद है भाई, मोतियाबिंद हो गया है इसको। तो ये फोटो सेंड करने के बाद मैं थोड़ी देर और बातें करने की ट्राई करता हूँ उनसे, पर ये वाला जो लास्ट मैसेज है इसके बाद फिर से मेरा स्क्रीन वैसे ही ब्लैक हो जाता है और पता नहीं क्या होता है, इंस्टाग्राम ऑन होना ही बंद हो जाता है। फिर इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी तभी ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से तो पता लग चुका है कि ये काफ़ी खतरनाक होने वाला है, जैसे कि मिथपैड भाई ने बोला था। तो देखो यार, सच्ची में बताऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा ही फट रहा है, रात के 12:30 बजने वाले हैं। तो देखो यार, मैं इसे डर के मेरे वर्ल्ड को उसके हवाले नहीं कर सकता। सो हम अभी ट्राई करेंगे उसे ढूंढने की और उसे हराने की भी ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ, मुझे पता नहीं है ये सब रंगीन रंगीन चीज़ें क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को है, ना आर्मर है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा चलो, सामने एक विलेज है, मैं विलेज में जाके देखता हूँ क्या है। और ये येलो कलर का शिप भाई, ये येलो कलर का शिप सच्ची में है या ये भी बस आंखों का धोखा है? तो देखो यार, मैंने अभी नोटिस किया कि ये मेरे पास एक तलवार है जिसका नाम है स्काई सोर्ड। भाई इसका काम क्या है पता नहीं, ये तो नॉर्मल तलवार की जैसा लग नहीं रहा है, एन्चेंटेड वगैरह लग रहा है, ऐसा बहुत चमक रहा है ये वाला। और ये देखो, ये मुझे देख के ये शिप वगैरह उड़ क्यों रहे है भाई? ये सब क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, ये वर्ल्ड उसका वर्ल्ड है भाई, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो थोड़ी देर घूमने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक तोड़ने के लिए आ जाता हूँ, मुझे पता नहीं ये ब्लॉक्स वगैरह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और ये क्या लिखा है, व्हाट इज दैट इन द एयर, इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ टेम्पल। भाई एयर में ये क्या है भाई, ये आसमान में ये क्या है भाई, कुछ ग्रीन कलर का टेम्पल जैसा कुछ तो है यहाँ पे, पर ये क्या है मुझे पता नहीं, ये बहुत ऊपर है आसमान में भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो एक और ब्लॉक तोड़ के देखते हैं भाई। भाई मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया है भाई, ऐसे ये ब्लॉक तोड़ने से ये कहाँ से आ गया वे। तो अभी मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक तोड़ के देखता हूँ, और ये ब्लॉक से ये क्या निकला है, फास्ट एड किट। अरे भाई ये इसका क्या करूँगा मैं भाई, ये तो माइनक्राफ्ट में होता भी नहीं भाई, यूज भी हो गया, इससे तो कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ यार। तो अभी मैं कुछ और ब्लॉक्स तोड़ के देखता हूँ भाई, इनमें से क्या निकलता है, और इसमें से गाय निकले भाई, क्या बात है यार, ये ब्लॉक तोड़ने से ये सब क्या निकल रहे हैं। तो रुको, अभी मैं कुछ और ब्लॉक्स तोड़ के देखता हूँ इनमें से क्या निकलने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ और ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, एक में से तो घोड़े निकले और एक में से ये निकला भाई, इसका क्या यूज है मुझे पता नहीं, इसके अंदर लाभा है भाई, लावा के पास नहीं जाने का, खतरा नहीं लेने का। तो अभी मैं कुछ और ब्लॉक्स तोड़ता हूँ और एक में से ये निकलता है भाई, मैं तो इसके अंदर फंस गया यार। अबे अबे भाई, मैं फटा कैसे यार, मेरा लाइफ खत्म हो गया, एक ही HP पे बचा हूँ मैं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ ये सब उस मोतियाबिंद का किया धरा है भाई, हमें फंसाने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे, जैसे कि मिथपैड भाई ने बताया था भाई हमें। अरे अबे फिर से नहीं, मेरा लाइफ नहीं है भाई, इस बार फटा तो गया गया मैं भाई, ये भाई काफ़ी खतरनाक है, मेरा सभी सामान भी चला गया यार। नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सामान पड़ा होगा,
भाई कहाँ पे था पिछली बार में? भाई अब ये क्या है भाई, अपने चेलों को भेज रहा है ये मुझे मारने के लिए। तो दोस्तों अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है ये सब क्या क्या चल रहा है। तो ये ब्लॉक्स के अंदर कुछ भी मतलब रैंडम सी कुछ भी चीज़ है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी है और ज़्यादातर तो खतरनाक सी चीज़ें है। जैसे ये देखो ये क्या है, क्या लिखा है, व्हाट इज दैट, इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ टेम्पल। नहीं ऊपर तो ये वाला एक ही टेम्पल है, तो ये इसकी बात चल रही है। यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट था तो मैं भाग के आ गया और मुझे ये क्या मिला भाई, गोल्डन एप्पल्स और एन्चेंटेड वाले भी है भाई, 13 13 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स। अरे भाई क्या बात है यार। तो यहाँ पे मैं कुछ देर और ब्लॉक्स तोड़ता हूँ और इनमें से बहुत बार मुझे मारने की भी कोशिश किया गया है पर मैं अभी तक जिंदा हूँ। और यहाँ से मुझे मिलता है ये रेनबो जेम करके कुछ मिला है, देखने में तो डायमंड जैसा लग रहा है पर ये डायमंड भी जैसा काम करता है क्या, मुझे पता नहीं। चलो और ये क्या है, कुछ स्पेल जैसा, स्पेल तो नहीं, क्या बोलते हैं, पोशन जैसा कुछ था, एंचेंट, अरे एंचेंटमेंट का पोशन था यार, सही है भाई। तो इसमें से देखो ये देखो भाई, ब्लास्ट करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई, फुल ऑन कोशिश जारी है यार इसकी। ये मोतियाबिंद को तो भाई एक बार मिल जाए। और ये देखो विच भाई, इसके मुझे सबसे ज़्यादा डर इससे लगता है भाई, ये स्पेल वगैरह फेंक के भाई मार ही देगा तुमको। पहले इससे भाग लेते हैं। और ये जो डायमंड, डायमंड तो नहीं, रेनबो जेम करके कुछ मिला है डायमंड जैसा, देखते हैं इसमें से कुछ टूल बना सकते हैं क्या। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और इसमें से बना सकते हैं हम तलवार, बना सकते हैं इसमें से यार। भाई ये तलवार का पावर वगैरह भी कुछ तो होगा ज़रूर से। और तलवार मिलने के बाद मैं थोड़ी देर और ब्लॉक तोड़ता हूँ और एक ब्लॉक में से मुझे एन्चेंटेड आर्मर वगैरह मिल जाते हैं। और अभी यहाँ से रैबिट स्पॉन हुए और इनके आँख लाल क्यों है अबे, ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं भाई, ये कैसे रैबिट्स होते हैं यार, मैंने कभी नहीं देखा कि रैबिट्स अटैक करते हैं भाई, मुझे पता नहीं, मैंने माइनक्राफ्ट ओरिजिनल में कभी देखा नहीं रैबिट्स अटैक करते हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे ये मिलता है, यहाँ पे लिखा है फ्री डायमंड और इसके अंदर एक प्रेशर प्लेट है भाई, चल के देखना पड़ेगा यार। फ्री में मिल रहा है कोई चीज़, कैसे छोड़ सकते हैं भाई, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। और अबे ये क्या हो रहा है, अरे भाई ये क्या था भाई, अंदर बुला के मारने लगे भाई यार, ये खतरनाक काम हो गया मेरे साथ अभी भाई, मैंने फ्री डायमंड सोच के गया था इसके अंदर पर ये क्या था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और ब्लॉक्स तोड़ता हूँ और एक ब्लॉक में से तो पूरा एंडरमाइट और सिल्वर फिश की पूरी टोली ही निकल पड़ी है। और इस ब्लॉक से देखो ये क्या है, ये तो भाई आयरन का ब्लॉक है और ये चलते चल क्यों रहे और ये मेरे को मार भी रहे भाई, इसको ख़त्म करो यार। ये सब क्या है भाई, आंखों का धोखा हो रहा है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। और सामने एक और फंसा पड़ा है यहाँ पे भाई, ये क्या चीज़ है। और अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ ही रहा होता हूँ और ये ब्लॉक तो मुझे धमकी देने लग गया भाई, भाई क्या पता इसके आगे गाली भी देने लग जाए भाई, लिखा है अगर तुम मुझे ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। भाई डरता नहीं मैं किसी से, जाके बता दियो अपने मालिक को भाई, हो सके तो वो खुद आ जाए मेरे सामने, क्या पता मैं ही मर जाऊँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता मैं उसे मार पाऊँगा, फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा। तो अभी मैं जैसे ही ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ मुझे ये वाला टेम्पल मिलता है और इस टेम्पल में लिखा होता है कि हीरो बराइन ट्राइज टू किल यू। भाई सच्ची में यार, मैं अगर थोड़ी देर और वहीं पे रुका होता ना मैं ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ और जैसे ही मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ और इसमें से निकलता है ये घास, इतनी बड़ी घास और भाई इतना पूरा एन्चेंटेड डायमंड आर्मर पहना है ये घास। भाई मैं और थोड़ी देर यहाँ पे रुका ना तो मैं पागल हो जाऊँगा या मुझे भी मोतियाबिंद हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी लंबा फाइट चलता है मेरे घास्ट के साथ और जैसे ही ये वाला घास्ट मरता है मुझे पता चलता है कि ये घास्ट के नीचे एक जायंट जम्बी बैठा पड़ा है। भाई अब तो मैं पागल हो जाऊँगा, सच में पागल हो जाऊँगा। इसे मारने के बाद मैं यहीं पर पॉज लेने वाला हूँ, बाकी का वीडियो कल देखेंगे भाई, ख़त्म हो जाए यार। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दो खा लिए है शायद, और अच्छा हुआ कि मेरे पास ये जंप वाला, मतलब क्या जंप वाला पावर था, इसलिए मैं कूद कूद के मार रहा था, वरना तो मैं कब का ख़त्म हो चुका होता।
तो चलो अभी के लिए ये वाले जायंट को खत्म कर लिया भाई। ये इतना पावरफुल है, मतलब उसका चेला होके इतना पावरफुल है, तो भाई मेन बॉस कितना ही पावरफुल होगा मैं सोच रहा हूँ। अबे भाई हार्ट अटैक दे दोगे यार तुम लोग, मुझे लगा ये क्रीपर लोग चारों ओर से घेर लिए। भाई खतरनाक सीन चल रहा है, पर वो ये लोग तो नीदराइट का आर्मर दे रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी है नीदराइट का आर्मर एन्चेंटेड वाला, तो मुझे ज़रूरत नहीं उसकी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे उसको मारने के लिए, और जल्दी से जल्दी हम हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना है, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ थोड़ा रेस्ट लेने, वरना मेरा आँख और दिमाग दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो जैसे कि मिथपैट भाई बोल रहे थे कि ये ज़्यादा ही मतलब रेयर टाइप का कुछ चीज़ है, तो YouTube में आपको इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। सो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और धमाकेदार गेम प्ले में। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस एंजॉय करो।